क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को या फिर किसी भी स्टोरी को म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए, बेसिकली मैं मोबाइल पर हैं और यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम की जब भी हम यहाँ पर स्टोरी अपनी गैलरी में सेव करते हैं तो म्यूजिक के साथ सेव नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। जैसे देखिए आप इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे सो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और हमने यहाँ पर पहले से ही एक म्यूजिक मतलब स्टोरी लगा रखी है। चलिए वही मैं ओपन करके दिखाता हूँ, फिर लोगों की भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सो अभी इसे अगर हम गैलरी में सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सेव वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। सो देखिए अभी यहाँ पर लिख के आ जाएगा सेव विदाउट म्यूजिक, क्योंकि ये इसके साथ वो तो जो पीछे की बैकग्राउंड फोटोज है या फिर इफेक्ट है वो तो डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक डाउनलोड नहीं होगा। मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, लेकिन मुझे सॉन्ग के साथ सेव करना है जो मैंने यहाँ पर सॉन्ग लगा रखा है। हो सकता है सॉन्ग की आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो, क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है। अब मैं आवाज़ को बढ़ा देता हूँ ताकि कॉपीराइट इशू ना रहे, इसलिए मैं आवाज़ को यहाँ पर गाना नहीं बजा सकता हूँ ज़्यादा। तो अभी क्या करना है आपको, ये कैसे सेव करना है अपने गैलरी में, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी और की भी स्टोरी को अपनी सेव करना चाहते हैं तो क्या करना है, चलिए देखिए। जैसे कि ये स्टोरी है, इसकी मैं स्टोरी को सेव करना चाहूँगा तो मुझे करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर देखिए यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहां से लिंक कॉपी कर लेना है जिसकी भी स्टोरी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी की भी स्टोरी डाउनलोड नहीं करना, मैं अपनी ही डाउनलोड करना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए यहां पर योर स्टोरी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको देखिए यहां पर कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आप किसी दूसरे की भी कॉपी कर सकते हैं और खुद की भी कॉपी कर सकते हैं। अब आपको यहां से बैक आना है और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। यहां पर आना है आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे सो इसके बाद देखिए आपको यहां पर लिखकर सर्च करना है स्टोरी सेवर। चलिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। जितना लिखकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो जैसे ही सर्च करेंगे देखिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। अभी देखिए जो फर्स्ट में, वैसे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन जो फर्स्ट में आ रही है वही बेहतर है, क्योंकि वही देखिए लिखा हुआ है storysaver.net। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बस आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस पर कॉपी करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने इस तरीके से कैप्चा आ जाएगा, तो प्लीज चेक कैप्चा पर आपको टिक करना है। यहाँ पर टिक करेंगे, इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और जो वहां पर होगी स्टोरी वो यहां पर आ जाएगी। तो चलिए यहां पर देखिए स्टोरी को आ जाने देते हैं। स्टोरी देखिए जैसे यहां पर आएगी तो आपको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अभी यहां पर देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस रन हो गई, आपको थोड़ा नीचे आना है इस तरीके से। अभी देखिए जो मेरे यहां पर जो मेरा यूज़र नेम है वो भी देखिए आपको देखने को मिल रहा है और जो मेरी यहाँ पर आईडी है वो शो कर जाएगी। उसके नीचे अगर मैंने बहुत सारी स्टोरी लगा रखी होती तो वो भी शो हो जाती, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही लगा रखी है। तो अभी क्या करना है आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चाहे तो आपसे यहाँ से सुन भी सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो दोनों प्रोसेसिंग हो सकती है यहाँ से। अभी देखिए डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से बैक करते हैं और डायरेक्ट हम अपनी गैलरी में चलते हैं। इसके बाद देखिए हम अपनी गैलरी को ओपन कर लेते हैं। हम अपनी गैलरी को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो अभी वीडियोस थी एल्बम पर मैं क्लिक करूँगा ऑल पर, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्टोरी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी इस स्टोरी को मैं प्ले करता हूँ और मैं यहाँ पर आवाज़ को ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं आवाज़ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मेरी आवाज़ इसकी आप आ रही होगी, हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें लीड मैक दोनों कनेक्ट कर रखे हैं तो मेरी आवाज़ ये स्टोरी चल रही ना आ रही हो, लेकिन आवाज़ आती होगी। इस तरीके से आप स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। और आई होप, मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। और ऐसी तरीके से और भी वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।